वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। और मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था आप लोगों को, रूल्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही कंटिन्यू चल रहा था, रूल्स ऑफ स्केचिंग रूट लोकस। ठीक है, तो रूल्स में मैंने आपको रूल नंबर 4 और 5 बताया था उसमें। ठीक है, तो रूल नंबर 4 में क्या था आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसमें आपको क्या था कि जब भी कोई पॉइंट को अगर हमको चेक करना है कि वो रूट लोकस में लाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करते थे, तो उस पॉइंट का जो भी एंगल सब्सटेंड होता है बाय ओपन लूपोस एंड जीरोस जो दिया रहते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू ऑल इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री होना चाहिए था, यही तो था ना। तो आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, मैंने आपको यही बताया था कि k का जो वैल्यू होता है दैट शुड बी इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में लाइक करना चाहिए k का वैल्यू, तभी वो पॉइंट जो है रूट लोकस पे लाइक करेगा। ठीक है, यहां तक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, एग्जांपल लेके बताया था कैसे हर चीज का एग्जांपल टेबल बनाकर बताया था आपको, कैसे एंगल भी निकालते हुए मैं आपको क्लियरली बता दिया था। क्लियर यहां तक, अब आगे देखते हैं रूल नंबर 5 क्या था बताइए आप लोग। रूल नंबर 5 था आपका क्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे निकालेंगे, वो था रूल नंबर 5 था ना। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है आपका मैंने वहां पर डिवाइड किया, 3 किस लिया था, एक प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, एक इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन लिया था। तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में पी जो होता है पोज जो है ओपन लूप पोज शुड बी ग्रेटर देन जेड होता था, मतलब ओपन लूप 0 से। ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके बराबर होता था, डायरेक्टली पी के बराबर होता था कि नहीं। उसी तरह इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन जो अगर हम लोग लेते हैं, तो इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या हुआ, जब जेड जो है या तो ग्रेटर देन या तो फिर इक्वल टू पी होता है, ठीक है, उसको इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उस केस में नंबर ऑफ पोल्स जो होता है वो किसके जेड के बराबर होता है, जब जेड ग्रेटर देन पी होता है, और जब जेड इक्वल टू पी होता है तो नंबर ऑफ पोल्स दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स या नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होता है, जब इक्वल होता है तो। क्लियर है, यहां तक मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब रूल नंबर 6 क्या, रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, ब्रेक पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट है यहां पे ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट से आपको क्लियर हो रहा है, ब्रेक मतलब क्या होता है, टूटना, टूटा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं से कहीं कुछ टूट रहा होगा, इसका मतलब ये पॉइंट का नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ पॉइंट कहीं से छूट रहा है या कुछ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट में मतलब क्या होता है, किसका मतलब होता है, द पॉइंट एट विच द वेरियस ब्रांचेस रूट लोकस ब्रांचेस जो होते हैं, मैंने बताया था कैसे ब्रांचेस कैलकुलेट करते हैं, तो वही जो ब्रांच जो है जहां पर मीट करता है एक दूसरे से, द पॉइंट एट विच वेरियस ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस मीट्स इज नोन एज ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट का डेफिनेशन आप लिखिएगा, द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेस मीट, जहां मीट करता है, द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेस मीट इज नोन एज इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट, उसी को बोलते हम लोग इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट। क्लियर यहां तक, तो जहां भी पॉइंट रूट लोकस ब्रांचेस वेरियस ब्रांचेस मैंने बता दिया क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, जहां भी ब्रांचेस जो है मीट करेंगे वहां पे हमको उसको बोलते हैं ना ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट जो है वो नथिंग बट आपका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट है फ्रॉम द ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट कितने तरह का होता है, तो ये मोस्टली तीन तरह का होता है। पहला जो है ब्रेक अवे पॉइंट, मैं सबको डिटेल में जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है इसमें, ब्रेक अवे पॉइंट समझ में आ रहा ना। दूसरा बताइए क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट। क्लियर, ब्रेक इन पॉइंट के बारे में देखेंगे हम लोग। और तीसरा जो है नॉर्मल ब्रेक पॉइंट, तीसरा क्या है नॉर्मल ब्रेक पॉइंट। क्लियर है, तो ये तीन पॉइंट के बारे में देखेंगे, जिसमें नॉर्मल ब्रेक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा क्या है एक्चुअली। क्लियर है, तो ये तीनों पॉइंट आपको यहां पे जानना है कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक नॉर्मल ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ब्रेक अवे पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब यहां पे, ब्रेक अवे पॉइंट का यहां से नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अवे मतलब, यहां अवे नाम से ही क्लियर हो रहा है, अवे मतलब दूर जाना,
दूर आवे मतलब यही होता ना, दूर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन यही होता है, इसको डेफिनेशन लिखिएगा, मैं आपको अच्छी एग्जांपल लेकर बताऊंगा। द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेस, ठीक है, द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेस लिव्स द रियल एक्सिस को जहां लिव करेगा और मूव्स अवे फ्रॉम द रियल एक्सिस इज नोन एज, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक पॉइंट। क्लियर है कि नहीं बताइए यहां तक। अब यहां पे आपको यहां से समझ आ रहा कि नहीं बताइए, द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेस लीव्स द रियल एक्सिस, वो पॉइंट जहां से रूट लोकस ब्रांच जो है लीव करता है रियल एक्सिस को। रियल एक्सिस बोले तो आपको फिर से मैं बता रहा हूं, रियल एक्सिस मतलब इसका बात कर रहे हैं हम लोग, ये रियल एक्सिस है, यही तो रियल एक्सिस है ना। अब ये कहीं पे जिस पॉइंट पे यहां से इसको छोड़ता है ब्रांच जो है, मैंने आपको कल बताया था ब्रांच ऐसे ब्रांच जाता है, तो जिस पॉइंट पे यहां पे रियल एक्सिस को लीव करता है या छोड़ता है, लीव मतलब छोड़ता है या उससे अवे जाता है, उस पार्टिकुलर अवे फ्रॉम द रियल एक्सिस जाता है, उस पॉइंट के बाद उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट के बाद रूट लोकस जो है, जो ब्रांचेस है वो रियल एक्सिस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाएगा, ठीक है, इसका करेंगे मतलब यही है। और इसको हम लोग यह भी बोल सकते हैं, द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेस मूव्स फ्रॉम रियल एक्सिस टू कॉम्प्लेक्स, रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स प्लेन में मूव करता है, वो पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं। दो पॉइंट यहां डेफिनेशन आ रहा है, द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेस जो है मूव्स फ्रॉम रियल एक्सिस टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे यहां पे देखिए सपोज ये रियल एक्सिस में यहां तक है, अब ये पॉइंट के बाद ये रियल एक्सिस से कहां चला गया, कॉम्प्लेक्स में चला गया, तो ये पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेक अवे पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक अवे पॉइंट। क्लियर हुआ? तो ये ब्रेक अवे पॉइंट जो है कहां से मूव कर रहा है, रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। हल्का भी पॉइंट आगे बढ़ा तो कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा ना, अगर माइनस आप यहां पे कंसीडर कर रहे हैं ये पॉइंट, मतलब हल्का से भी नीचे आता है या ऊपर जाता है तो कॉम्प्लेक्स रीजन में आ जाएगा ना, इमेजिनरी टर्म्स में आ जाएगा, भले जे 0.1 आ रहा है भले, लेकिन वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दो डेफिनेशन है, द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेस लीव द रियल एक्सिस और क्या है मूव्स अवे फ्रॉम द रियल एक्सिस इज नोन एज ब्रेक अवे पॉइंट। और उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो रूट लोकस ब्रांच जो है मूव्स करता है फ्रॉम द रियल एक्सिस टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ब्रेक अवे पॉइंट। यहां तक क्लियर हुआ क्या, नहीं बताइए, ठीक है। तो यहां पे आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं कि रूट लोकस जो है, ये जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो कहां पे मतलब कहां एग्जिस्ट करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे लिखिए इट एग्जिस्ट बिटवीन दो एडजेसेंट पोल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। मैं एग्जाम्पल लूंगा, अच्छे से एग्जाम्पल लूंगा, आपको घबराना नहीं है इसमें, मैं एग्जाम्पल लूंगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इट एग्जिस्ट बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स, दो एडजेसेंट पोल के बीच में लाई करता है, उसके बीच में मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, कोई जीरोज नहीं आना चाहिए, तो वो दो पोल के बीच में ही एक पार्टिकुलर, दो पोल है यहाँ पे, जैसे ये दो एक पोल एडजेसेंट पोल मतलब ऐसे, ये दो एडजेसेंट पोल है, इस दोनों पोल के बीच में एक पॉइंट लाई करेगा, उसको बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। तो ये दो एडजेसेंट पोल के बीच में लाई करेगा, ठीक है, ये एडजेसेंट पोल है। और दूसरा, और इसको क्या बोल सकते हैं, और एग्जिस्ट बिटवीन मल्टीपल पोल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, जैसे यहां यहीं पे दो पोल हो गए, अगर हो गया तो मल्टीपल बोल सकते हैं, दो पोल से ज्यादा है तो मल्टीपल पोल के बीच में ब्रेक अवे पॉइंट लाई करेगा, या तो दो एडजेसेंट पोल के बीच में ब्रेक अवे पॉइंट लाई करेगा। तो ये आपको मैं पॉइंट्स लिखा दिया रिगार्डिंग किसके लिए, ब्रेक अवे पॉइंट के लिए।
मैं हर एग्जांपल लूंगा, इसमें घबराना नहीं है आपको, एग्जांपल लूंगा, क्लियर करूंगा हर चीज। तो ये आपको नोट करना है अच्छे से, इट कंसिस्ट बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स और इट एग्जिस्ट बिटवीन टू एग्जिस्ट बिटवीन मल्टीपल पोल्स। क्लियर यहां तक? चलिए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं ब्रेक इन पॉइंट। मैं एग्जांपल लेकर सब क्लियर कर लूंगा, यहां पर टेंशन नहीं लेना है आपको। अब आते हैं हम लोग ब्रेक इन पॉइंट की ओर। ठीक है, तो ब्रेक इन पॉइंट क्या है दूसरा देखिए, ब्रेक इन पॉइंट। यहां नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे उसमें आवे था मतलब रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स, मतलब रियल एक्सिस से दूर जा रहा था। यहां क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है वो पॉइंट जहां पे रियल एक्सिस में इंटर कर रहा है, जिस पॉइंट पे रियल एक्सिस पे इंटर कर रहा है, फ्रॉम कहां से, कॉम्प्लेक्स प्लेन। बस उसका उल्टा समझ लीजिए आप, ब्रेक अवे पॉइंट का जस्ट उल्टा। इसको आप नोट कीजिएगा, इसको भी डेफिनेशन, द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेस जो है इंटर्स एट द रियल एक्सिस। कहां इंटर ब्रांचेस इंटर्स एट द रियल एक्सिस इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको बताइए, ब्रेक इन पॉइंट। इन का मतलब होता है इंटर करना, इन अंदर, ठीक है, ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, ये आपका एक हो गया। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, वो पॉइंट जहां पे रूट लोकस ब्रांचेस जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन से रियल एक्सिस पे मूव करता है, रियल एक्सिस की ओर आता है कॉम्प्लेक्स। जैसे उसके जैसे मैं उसका उल्टा बताया था, उसमें क्या था, ब्रेक अवे पॉइंट रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स में जाता था, इसमें कॉम्प्लेक्स से रियल एक्सिस में आएगा। ठीक है, द पॉइंट एट विच रूट लोकस सेम यहां पे ब्रांचेस मूव्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन टू रियल एक्सिस, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन से रियल एक्सिस में मूव करेगा वो पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रेक इन पॉइंट। क्लियर है? थर्ड जो अगर यहां पे हम बात करें और एक पॉइंट का, ये मोस्टली कहां मतलब ऑकर करता है, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू एडजेसेंट जीरोस, दो एडजेसेंट जीरो के बीच में लाई करेगा, टू एडजेसेंट जीरोस। क्लियर है? वहां दो एडजेसेंट पोल था, इसमें दो एडजेसेंट जीरो के बीच में दो ये ब्रेक इन पॉइंट लाई करेगा। क्लियर है? यहां पे देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं आपका, ये देखिए सिग्मा जे ओमेगा एस प्लेन, दो जीरो, एक यहां पे जीरो है, एक यहां पे जीरो है। सपोज एक रूट लोकस का ब्रांच यहां से आया, वो ऐसे मूव करते हुए आया और यहां पे देखिए कॉम्प्लेक्स से इंटर कर रहा ना यहां पे, अब ये एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। तो देखिए जो दो पोल दो जीरो के बीच में देख रहे एग्जिस्ट कर रहा है, दो एडजेसेंट जीरो के बीच में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रेक इन पॉइंट। ये हुआ एग्जाम्पल ब्रेक इन पॉइंट। क्लियर है? कोई मूव करता हुआ ऐसे आएगा, एक ऐसे ऐसे इधर से भी मूव करता हुआ, तो ये कहां से आ रहा है, देख रहे ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन से रियल एक्सिस में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन से रियल एक्सिस में आ रहा है। क्लियर यहां तक? अब यहां पे देखिए, अब ये हो गया आपका ब्रेक इन पॉइंट। मैं एग्जांपल लूंगा, आप अच्छे से नोट लीजिएगा, क्लियर हुआ करें बताइएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, अब यहां पर आता है थर्ड जो पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या था बताइए, नॉर्मल ब्रेक पॉइंट। नॉर्मल ब्रेक पॉइंट मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं, इसको सिंपली देखेंगे, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। थर्ड जो है नॉर्मल ब्रेक पॉइंट, ठीक है, ये इसको इसका डेफिनेशन क्या होता है, द पॉइंट एट विच, मतलब जो रूट लोकस ब्रांचेस जो है मूव करता है कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स या रियल टू रियल में मूव करता है। यहां पे रियल टू कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स टू रियल नहीं जाएगा, इसमें रियल टू रियल जाएगा या तो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, यहां पे वही लिखिएगा, द पॉइंट एट विच
रूट लोकस ब्रांचेस मूव्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, और बताइए, और रियल टू रियल प्लेन, रियल टू रियल एक्सिस, ये है नॉर्मल ब्रेक पॉइंट का मतलब। ठीक है, नॉर्मल ब्रेक पॉइंट का मतलब आपको समझा दिया अच्छे से, कहां से कहां मूव करेगा आपका, मूव करेगा आपका पॉइंट एट विच द रूट लोकस ब्रांचेस मूव फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, एंड और यहां पे क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन और रियल टू रियल एक्सिस। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे तो एग्जांपल में देखिए ऐसा कभी कभी सीन बनता है, ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है आप लोग के लिए एग्जाम के लिए, लेकिन देखिए कभी कभी ऐसा केस हो जाता है, जैसे चार पोल हुए, एक ऐसे एक यहां पोल लाइक कर रहा है, एक यहां पोल लाइक कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूवमेंट हुआ और एक इधर चला गया, एक इधर से भी मूवमेंट हो रहा है, एक इधर जाएगा। अब ये पॉइंट को यहां से एक यहां भी ऐसे आएगा नीचे तरफ ब्रांचेस, और ये इधर से भी ऐसा मूवमेंट होता है, पोल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, ये पॉइंट जो है कहां एंड करेगा, पोल्स में तो कभी एंड नहीं करता, दो पोल के बीच में कभी एक दूसरे से कभी मीट नहीं करता। ठीक है, वो यहां से दोनों टकराएगा फिर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट करते हुए यहां आया, ये भी यहां मूवमेंट करते यहां आया, ये इस पॉइंट पर टकरा गया दोनों, अब एक मूवमेंट उधर चला गया, एक मूवमेंट इधर चला गया, तो यहां पे ये एंड करेगा ऐसे कहीं जाकर के इन्फिनिटी में एंड करेगा, वर्चुअल जीरो पे। कहां मूव कर रहा है, वर्चुअल जीरो पे ऐसे। Jenik Prime is the new features by Jenik Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. Ek yahan pe aise idhar virtual zero aur ek yahan pe aise aayega aur aise move karte hue aise aayega. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इस टाइप का जब बनता है, देखिए यहां पे क्या, ये हुआ नॉर्मल ब्रेक पॉइंट। यहां पे देखिए क्या है, यहां पे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही पॉइंट है, ये कहां एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे देखिए कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो यहां पे ये कॉम्प्लेक्स में ही है और कॉम्प्लेक्स में जाकर के वो रूट लोकस ब्रांचेस जो है यहीं पे ऑरिजिनेट हुआ और यहीं से जाके कॉम्प्लेक्स में ही एंड हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, ये वर्चुअल जीरो, ये सब पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक, नॉर्मल ब्रेक पॉइंट। ठीक है, मतलब द पॉइंट या तो रूट लोकस, यहाँ पे इसको अगर मिटाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रूट लोकस, द पॉइंट रूट लोकस ब्रांचेस मूव फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, द पॉइंट एट विच, यहां पे द पॉइंट एट विच, वही तो ठीक तो था, द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेस मूव फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स और रियल टू रियल एक्सिस इज नोन एज, वही होता है नॉर्मल ब्रेक पॉइंट। क्लियर यहां तक, आपको कोई डाउट तो बोलिए यहां पे। ठीक है, तो अब यहां पे आपका स्टार्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट का। ठीक है, तो ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट देखते हैं यहां पर क्या है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक, देखिए यहां पर, और यहां पर देखिए मैंने कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन जरूरी है, तो उस एग्जांपल से पहले मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया रहता है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। ठीक है, तो पहला जो होता है स्टेप वन, स्टेप वन में क्या है, स्टेप वन जीरो वन में क्या लिखते हैं, यहां से जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, ठीक है, तो यहां पे पहले क्या करेंगे अपना, पहला हमको यहां पे के का फॉर्म में लाना, के इक्वल टू एफ ऑफ एस के फॉर्म, एक फॉर्म करेंगे, एक पॉलिनोमियल बनेगा जिसमें के को एक तरफ रखना है, इसमें के आएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखिए जी एच ऑफ एस दैट इज के बाय एस इंटू एस प्लस वन, ये हुआ ना, तो यहां पे एक के का पॉलिनोमियल बनेगा, के इक्वल टू एस एफ एक फॉर्म में लाना है हमको, एग्जांपल दूंगा अभी समझ आ जाएगा। स्टेप टू,
क्या करना है आपको, डीके बाय डीएस करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है डीके बाय डीएस। जो एफ ऑफ एस है मतलब यहां पे क्या है कि किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एस बाय एस, यही तो है। इसको डिफ्रेंशिएट आपको कर देना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या, स्टेप थ्री में क्या करना है, जो डी एफ ऑफ एस था डीएस, इसको इक्वेट कर देना है जीरो से। अब जीरो से इक्वेट कीजिएगा तो एस का कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, मिलेगा ना। अब वही जो वैल्यू मिलेगा एस का, वही होता है ब्रेक पॉइंट। अगर ये एस का वैल्यू जो है वैलिड पॉइंट हुआ तो ही, अगर ये पॉइंट रूट लोकस पर लाई करेगा तभी वो ब्रेक पॉइंट होगा। तो एस का जो वैल्यू आएगा यहां पर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, दैट इज इक्वल टू ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट होगा। अगर ये वैलिड हुआ तो वैलिड मतलब अगर ये पॉइंट जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट जो है रूट लोकस में लाई नहीं करता, तो वही एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस जो मैंने आपको बताया था, वही यहां पे देखेंगे कि वो पार्टिकुलर पॉइंट जो है अगर वो रूट लोकस में लाई कर रहा है तभी वो ब्रेक पॉइंट हो सकता है। अगर वो पॉइंट जो है रूट लोकस में लाई नहीं करता है तो वो वैलिड पॉइंट हमको नहीं बोलेंगे, उसको इग्नोर कर देना है। तो वो पॉइंट अंदाज ही नहीं, मतलब कि हाँ ले लिए कोई भी पॉइंट यहाँ जो भी आया सबको ब्रेक पॉइंट बोल दिया, नहीं वो गलत हो जाएगा। ब्रेक पॉइंट वही हो सकता है अगर वो पॉइंट जो है रूट लोकस पे लाई कर रहा था भी, ठीक है। तो जो इसका आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये आपका देखिए एग्जांपल लिख लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कैसे निकालेंगे। तो पहले हमको क्या करना है, वन प्लस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो वन प्लस जी एच ऑफ एस इक्वल टू जीरो, यही है। अब यहां वन प्लस के बाई एस इंटू एस प्लस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे वो क्या फॉर्म करना है, स्टेप वन में k का वैल्यू फॉर्म करना है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां हो जाएगा इसको s इंटू एस प्लस वन प्लस k इक्वल टू जीरो। अब यहां से k का वैल्यू निकल गया क्या, माइनस s, और ये अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस s s प्लस वन, यही आएगा ना। अब यहां से k का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस एस स्क्वायर माइनस s, समझ में आ रहा ना, एस स्क्वायर माइनस s, ठीक है। k का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे देखिए k का वैल्यू क्या आया, ये तो इसी का फंक्शन है ना, k इक्वल टू एफ ऑफ एस के फंक्शन में है ना, जो पहला इक्वेशन था, ठीक है। स्टेप वन हम लोग कैलकुलेट कर लिया, स्टेप टू में क्या है, dk by ds, इसको डिफरेंशिएट करना है। स्टेप टू कीजिए यहाँ पे dk by ds, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एस स्क्वायर का क्या होता है माइनस टू एस, माइनस एस स्क्वायर का टू एस होता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस टू एस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस वन, क्लियर। स्टेप टू कंप्लीट, स्टेप थ्री में क्या करना है, डी एफ ऑफ एस बाई डी एस इक्वल टू जीरो। तो यहां पे इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए बस, और लास्ट में क्या रहेगा, एस का वैल्यू निकालना है। ये क्या आ गया देखिए आप लोग बताइए, वन बाय माइनस टू, एस का वैल्यू क्या आ गया, माइनस जीरो पॉइंट फाइव, ये आपका ब्रेक पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ ब्रेक पॉइंट हुआ। अब इसको आपको चेक भी करना है कि जो पॉइंट आया वो एग्जैक्टली रूट लोकस में लाइक करेगा कि नहीं करेगा, इसको आपको चेक करना है, क्लियर है। तो कैसे चेक करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं ड्रॉप कर रहा हूं। चेक करने के लिए मैंने आपको रूल्स बताया है थ्री और फोर, कि वो पार्टिकुलर पॉइंट जो है रूट लोकस में लाइक करेगा कि नहीं, उसके लिए आपको मैंने क्या पॉइंट बताया है, रूल्स जो है थ्री एंड फोर बताया है। अब यहां पर देखिए, इसका आपको याद होगा कैसे मैंने आपको रूट लोकस बनाया था, इसका याद कीजिए, इसका रूट लोकस कैसा था, ऐसे था, सिग्मा जे ओमेगा, ठीक है। अब यहां पे एस इक्वल टू जीरो पे एक पॉइंट था, एस इक्वल टू माइनस वन पे था, याद कीजिए। अब इसका कैसा था पोल का मूवमेंट, एक तो था ऐसे ऐसे कर, ऐसे करके मूव कर रहा था, और यहां पे सपोज यहां तक, ठीक है, और एक मूवमेंट था इधर से इसका, याद कीजिए ऐसी था ना, ठीक है, ये एक ब्रांच था ऐसे था। अब एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद इंटरसेक्ट हुआ और ये एक ऊपर चला गया, एक ऊपर चला गया ऐसे, और एक एक ब्रांच जो है नीचे चला गया, याद कीजिए, मैंने आपको हर चीज यहां पर क्लियरली हर एक वही एग्जांपल को मैं ले रहा हूं शुरू से, और ये कहीं पे एंड कर रहा है वर्चुअल जीरो पे, के इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये वर्चुअल जीरो है, और यहां पर के इक्वल टू जीरो है, ये भी के इक्वल टू जीरो है, दूसरा जो है ऐसे भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये जो पॉइंट आया, इसका वैल्यू जो होगा, यही तो पॉइंट है ना, यही तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, इसी यही तो ब्रेक अवे पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं आपको, यही पॉइंट से
रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स में जा रहा है ना, तो यही पॉइंट जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है, -0.5, यही है -0.5, यही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट, दैट इज इक्वल टू -0.5। क्लियर यहां तक? तो ये पॉइंट अभी हम लोग चेक करेंगे कि वैलिड पॉइंट, वैलिड तो पॉइंट है ही, क्योंकि रूट लोकस जो है इस पे लाई कर रहा है, या ये पॉइंट जो है रूट लोकस पे लाई कर रहा है, इसलिए वैलिड पॉइंट है। और नहीं तो आपको चेक करना है वैलिड पॉइंट है कि नहीं, तो आप यहाँ पे रखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखिए और ऑब्जर्व कीजिए कितना नंबर ऑफ पोज दिख रहा है, एक एक पोज सम ऑफ पोज एंड जीरोस कितना है 1, तो ये वैलिड पॉइंट है। यहां तक पूरा वैलिड पॉइंट, यहां से आगे जहां गए तो यहां पे दिख रहा है सम ऑफ सम कितना हो गया 2 हो गया, तो ये वैलिड पॉइंट इधर नहीं होगा, तो यहां से यहां वैलिड पॉइंट है, इसलिए ये जो है पॉइंट लाई कर रहा है आपका रूट लोकस पे। क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? मैं आपको हर पॉइंट को मैंने बताया, जो ये पॉइंट यहाँ आएगा उसे चेक करना होगा आपको कि वो वैलिड पॉइंट है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि पोस का नंबर सम ऑफ पोस एंड जीरोस जो है, रूल नंबर 3 याद कीजिए, सम ऑफ पोस एंड जीरोस जो है दैट शुड बी ऑड नंबर होना चाहिए ना। तो वो पॉइंट को हम यहाँ रख के देखें, -0.5 का यहीं पर लाइक करेगा, -1 और 0 के बीच में लाइक करेगा, तो यहाँ पर रख दिए इसको। क्लियर है? यहाँ पे रखे, अब इसका राइट हैंड साइड में देखेंगे तो कितना दिख रहा है, एक ही तो पोल दिख रहा है एट x = 0, वैलिड पॉइंट है ना, क्योंकि ऑड नंबर अगर सम ऑफ पोल्स एंड जीरो अगर ऑड नंबर होता है तो वो पॉइंट क्या होता है, वैलिड पॉइंट होता है। क्लियर यहां तक? तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है ब्रेक पॉइंट वो भी मैं बता दिया हूं, यहां पे k का वैल्यू निकाल करके उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर दीजिएगा 0 से, और उससे जो s का वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड द ब्रेक अवे, ब्रेक पॉइंट्स, और वो ब्रेक अवे भी हो सकता है या ब्रेक इन पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है? तो आपको ये, आपको यहाँ पे आपको आई होप कि आपको समझ आ गया। अब देखिए ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट एक्चुअली ये है ब्रेक अवे पॉइंट, ये क्या है ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट। कैसे ब्रेक अवे पॉइंट? तो मैंने आपको लिखाया था कि दो एडजेसेंट पोल्स के बीच में कौन सा पोल, कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करता है, याद कीजिए इससे पहले लिखाया था। तो यहाँ पे दो पोल है -1 पे और -0 पे, इस दो पॉइंट के बीच में क्या होगा, एक ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और ये पॉइंट क्या होता है, जहां से जो रूट लोकस ब्रांचेस है, ये यही तो ब्रांच है ना, एक ब्रांच ये हुआ एक ब्रांच ये हुआ, तो रूट लोकस ब्रांचेस जो है आपस में मीट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये ब्रांच यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ मीट कर रहे हैं, ये भी वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है, ये पॉइंट पे देखिए ब्रेक अवे पॉइंट क्यों बोला गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रियल एक्सिस से कहां जा रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जा रहा है, इसलिए पॉइंट क्या हुआ, ब्रेक अवे पॉइंट। मैं आपको क्लियरली बता दिया कि ये पॉइंट क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, और ब्रेक पॉइंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, उसको चेक कैसे करेंगे, वो पॉइंट रूट लोकस में लाई करेंगे, उसका भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया यहाँ पर वो सब चीज। क्लियर यहां तक? बताइए यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं। अब एग्जांपल एक देखते हैं हम, यहाँ पे आपको हर चीज क्लियर कर दिया मैंने, अब समझ आ गया होगा आप लोगों को कि ब्रेक अवे पॉइंट क्या है। अब एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यहां पर ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट दोनों आएगा। ठीक है, देखिए एक पोल यहां पे है मैंने लिया है, एक पोल यहां, एक पोल यहां, एक जीरो लिया है मैंने यहां पे, यहां पे जीरो लिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपका चेक करना है, एक ऐसा कोई ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जिसमें दो पोल है और एक जीरो है। ठीक है, दो पोल और जीरो है, तो यहां पे आपको अगर पूछा जाए, यहां पे मैं आपको अगर पूछा जाए कि यहां पे रूट लोकस का मूवमेंट कहां से होगा, तो आपको चेक करने के लिए क्या होगा, यहां पे रखिए हाथ, यहां से राइट हैंड साइड में देखिए कितना नंबर ऑफ सम दिख रहा है, पोस एंड जीरोस, एक, तो ये वैलिड पॉइंट है, यहां तक पूरा वैलिड पॉइंट है, ये यहां तक पूरा वैलिड पॉइंट है। उसके बाद अगर ये पॉइंट यहां, आप यहां मूव करने लगे, यहां देखें यहां पे आ गया क्या, इवन नंबर, तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है, यहां से यहां तक देख रहे वैलिड नहीं है, तो रूट लोकस इस पॉइंट में मूव नहीं करेगा। तीसरा क्या है, अगर यहां देखिए, यहां यहां से अगर देखे तो यहां में दिख रहा है फिर से एक जीरो और दो पोल दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर, तो यहां एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे, इधर एग्जिस्ट करेगा, मतलब मूवमेंट ब्रांचेस कैसे निकलता है, तो ये क्या दिख रहा है, दो पोल है और एक जीरो है, तो ब्रांचेस कितना होता है, पी इक्वल टू, ये आपको देखिए मैं एग्जाम्पल लूंगा अच्छे समझाऊंगा, यहां पर आपको रफली बता रहा हूं इसका जैसे मूवमेंट होगा, इसे अभी आपको एक्चुअली एग्जाम्पल लूंगा तो समझ आएगा, तो अभी समझ नहीं आएगा। ये यहां पर ऐसे मूव करके यहां आएगा एक, और एक ऐसे मूव करके यहां तोड़ के यहां आएगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये वैलिड रीजन नहीं है। अब एक मूवमेंट जो दोनों पोल का ऐसे एक मूवमेंट हुआ, एक ब्रांच यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे, यहां पे मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट क्या है वो बताना बस चाह रहा हूं। ठीक है, और एक मूवमेंट यहां से हुआ ऐसे, यहां से ऐसे ऐसे। ठीक है,
अब यहां पे ये जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, यहां से कहां रियल से कहां जा रहा है, इमेजिनरी में जा रहा है, ये रियल से कॉम्प्लेक्स में जा रहा था, ये क्या हो गया, ये ब्रेक अवे पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया ब्रेक अवे पॉइंट। और जहां पे मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स से अगर रियल में आता है उसको क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेक इन पॉइंट। मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा था कि आपको क्लियर हो जाए कि ब्रेक इन पॉइंट कहां एग्जिस्ट कर रहा क्या है। अब ये देखिए ये पॉइंट जो है, अब ये ऐसा क्यों बना राउंड टाइप का, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स, तो ओपन लूप पोल्स से स्टार्ट हुआ और एंड्स एट कहां एंड होगा, ओपन लूप जीरो या तो फिर वर्चुअल जीरो में। तो ये ऐसा मूवमेंट करेगा अपने आप को, ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ओपन लूप ये कहीं जाकर इसको एंड भी तो करना है। अब इसको ये स्टार्ट किया यहां पोल से स्टार्ट किया, अब इसको एंड कहां होगा, वो जीरोस में जाके एंड होगा, तो जीरो ही ढूंढेगा कि हाँ जीरो कहां है, तो जीरो यहां है, इसलिए ऐसा मूवमेंट करके यहां आया। अब एक पोल तो एक एंड पे जीरो पे एंड कर गया, एक पोल जो ये सपोज ये स्टार्ट हुआ यहां और ये एंड कर गया, अब एक पोल को भी तो एंड करना है, उसके लिए फिर वर्चुअल जीरो आएगा, ये ऐसे मूवमेंट करेगा, यहां पे वर्चुअल जीरो है मेरा। यहां पे आपको आपको क्लियर करूंगा एग्जांपल, लेकिन यहां पे बस आपको यही बताना था कि दो एडजेसेंट पोल है, दो एडजेसेंट जीरो दिख रहा है यहां पे, दो एडजेसेंट जीरो के बीच क्या लाइक कर रहा है ब्रेक इन पॉइंट, और दो एडजेसेंट पोल के बीच में क्या लाइक कर रहा है ब्रेक अवे पॉइंट। यहां पे आपको समझाना बस यही मेरा मतलब था, आपको जो मैंने लिखाया था वही यहां पे मैं समझाना चाह रहा था कि दो एडजेसेंट अगर पोल्स होते हैं, दो एडजेसेंट पोल एग्जिस्ट होते हैं तो वहां पे ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यहां पे देखिए दो एडजेसेंट जीरोस है तो वहां पे आपको ब्रेक इन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर यहां तक, समझ में आया? तो ये था आपका ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट के बारे में आपको मैंने अच्छे से बताया, एग्जांपल लेकर समझा दिया है। अगर नहीं समझ आएगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर समझ नहीं आ रहा, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपका मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए नहीं है, मैं यहाँ कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ कैमरा नहीं बताएगा सर हमको समझ नहीं आ रहा, आप लोग बताइएगा, आप लोग देखिएगा, समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से इसके ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि मेरा अगर आप मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर मेरा ऐसे पढ़ाने से क्या मतलब, समझ में आ रहा ना, इसलिए इसको देखिए, समझ नहीं आया मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट, मेरा मेन यहाँ मोटो था कि ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है, तो दो एडजेसेंट पोल्स के बीच में ब्रेक अवे पॉइंट लाइक करता है, और दो एडजेसेंट जीरोस में देखिए यहाँ पे दो जीरो है वहां पे ब्रेक इन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, या तो यहाँ पे रियल से कॉम्प्लेक्स में मूव कर रहा है इसलिए यहाँ ब्रेक अवे पॉइंट, यहां से कॉम्प्लेक्स से रियल में आ रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे ब्रेक इन पॉइंट। क्लियर यहां तक? आई होप कि हम मैं आपको अच्छे से समझा सका ब्रेक अवे ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल ब्रेक पॉइंट क्या होता है। नॉर्मल ब्रेक पॉइंट कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप उसको छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लीव भी कर दीजिए कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे था ये रूल नंबर 6। अब नेक्स्ट क्लास हम रूल नंबर 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, 9 देखेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बारे में, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स और सेंट्रोट्स के बारे में देखेंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू। We'll be right back.